बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं अब्दुल्ला इदरीस एक नए दिन, एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ लाहौरी जायका में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं दम बिरयानी, चिकन दम बिरयानी। बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही टेस्टी होती है। इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, चिकन दम बिरयानी बनाने के लिए हमने 1.5 kg चिकन ले लिए। इसके साथ हमने इसी के वज़न के हिसाब से चावल ले लिए 1.5 kg। मीडियम साइज़ के 4 टमाटर ले लिए और मीडियम साइज़ के ही 3 प्याज ले लिए हमने। और इसके साथ ये मसाले हैं हमारे पास, जिनमें छोटी इलायची है, लाल मिर्च पाउडर है, दालचीनी है, लौंग है, गरम मसाला और सूखा धनिया हुआ मिक्स, सूखा धनिया मिक्स किया हुआ है। उसके अलावा हमारे पास साबुत काली मिर्च है और ज़ीरा है, जिंजर गार्लिक पेस्ट है, सब्ज़ मिर्च और साथ में हमने पुदीना रखा हुआ है। पुदीना ये हम जब बिरयानी को दम देंगे तब हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये कुकिंग ऑयल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक चिकन दम बिरयानी कैसे बनाई जाती है। तो दोस्तों, चावल उबालने के लिए हमने पानी जो है ना वो चढ़ा दिया हुआ है और फ्लेम हमने फुल कर दिया हुआ है। इसके साथ थोड़ा थोड़ा इसमें मसाले डाल देंगे। दो से तीन लौंग, दालचीनी, थोड़ा सा ज़ीरा और 2 छोटी इलायची। तो दूसरी तरफ दोस्तों हम लोग कोरमे की तैयारी कर लेते हैं। घी ऐड कर दिया हमने, इसके साथ हम लोग चिकन ऐड कर देंगे। चिकन जैसे ही थोड़ा सा फ्राई होगा फिर हम लोग इसमें बाकी के मसाले वगैरह ऐड करेंगे। दोस्तों, चिकन थोड़ा सा फ्राई हो चुका हुआ है, अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। हम लोग इसमें 1.5 चम्मच नमक ऐड किया हमने इसमें। अब हम चिकन को चेक कर लेंगे। और इस पोजीशन में इसमें हम लोग मसाले वगैरह ऐड कर देंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट, हरी मिर्च, प्याज, टमाटर, इलायची, काली मिर्च, साबुत, ज़ीरा डाल देंगे, लाल मिर्च का पाउडर, दालचीनी, 2 से 3 लौंग, गरम मसाला और साथ में सूखा धनिया पिसा हुआ। तो गाइस, हमने इसे अच्छी तरह से मिक्सअप कर लिया। अब हम इसे चिकन ने खुद भी जो पानी छोड़ना होता है और जो टमाटर इसमें डाले हैं उसने जो पानी छोड़ना होता है उसी में ये पक जाएगा। हमने खुद से कोई पानी अभी ऐड नहीं किया है इसमें, तो इसलिए हम इसे अब डाम के रख देंगे और देखेंगे अभी जो हमने चावलों के लिए पानी चढ़ाया था उसे उबाल आया कि नहीं। तो देखिए, पानी को उबाल आ चुका हुआ है। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून नमक का डाल के उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों, ये चावल हैं जो कि हमने करीब 45 मिनट पहले भिगो के रख दिए थे। अब हम ये इसमें ऐड करेंगे। चावल इसमें ऐड कर दिए गए हैं। अब इसको हम लोग करीब 80% तक पकाएंगे। दोस्तों, हम लोग चिकन देख लेते हैं, चिकन कहाँ तक पहुँच चुका है। मसाले सारे गल चुके हैं, प्याज भी गल चुके हैं,
टमाटर भी देख लीजिए आप गल चुके हैं और चिकन भी तकरीबन गल चुका है। इसमें जो कमी बेशी होगी वो जब हम इसे दम देंगे चावलों के साथ वो तब पूरी हो जाएगी। दोस्तों चावल हम लोग चेक कर लेंगे, ये हमारे 70-75% तक तकरीबन चावल गल चुके हैं। अब हम इनसे किसी बर्तन में निकाल लेंगे। चिकन हमारा माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। चिकन जो है वो अच्छे से भुन गया हुआ है, चिकन भी रेडी है और मसाले भी सारे इसमें जो हमने इस्तेमाल किए थे वो भी रेडी है। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे और मैक्सिमम इसे 1-1.5 मिनट तक पकने देंगे। उसके बाद फिर हम लोग इसे दम देंगे, क्योंकि हमें फिर इसके बाद हम लोग इसे दम दे देंगे। तो गाइस इसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है, अब इसे मैक्सिमम 1-1.5 मिनट तक पकाएंगे ढांप के, फिर उसके बाद हम लोग इसे दम लगा देंगे चावलों में डाल देंगे। दोस्तों चिकन देख लीजिए अभी हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे दम दे देंगे, क्योंकि चावल हमने इस देगचे में बनाने हैं इसलिए हम लोग सारा इसी में डाल देंगे। दोस्तों ये मेरा बेटा है अल्हम्दुलिल्लाह अबू बकर, ये मेरे साथ किचन में कभी कभी ऐसे तंग करने के लिए आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम करो। अस्सलाम वालेकुम। पारी करो बाबा जानी को, बाबा जानी को पारी करो। शाबाश। तो दोस्तों ये हमारा रेडी है, अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे जो कि हमने पहले उबाल के रख लिए थे। अब हम इसमें थोड़ा सा नींबू, ये हमने नींबू स्लाइस करके रख दिए थे, ये थोड़े से इसमें डाल लेंगे। और इसी तरह ये पुदीने के पत्ते, ये साथ में बिरयानी कलर है थोड़ा सा, ये हम लोग ऐड कर देंगे। कुकिंग ऑयल इसमें ऐड कर देंगे और अब हम इसे अच्छे से दाम दे देंगे किसी कपड़े से दाम के। और इसे 20 से 25 मिनट के बाद हम लोग खोलेंगे तो इंशाल्लाह चिकन दम बिरयानी जो है ना वो मज़े की रेडी होगी इंशाल्लाह। तो गाइस 20 से 25 मिनट हो गए हैं, अब हम लोग चेक कर लेते हैं। ये देख लीजिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बनी है। तो दोस्तों अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो गाइस माशाल्लाह से हमारी चिकन दम बिरयानी बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। तो चलिए इसे थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं कैसी बनी है। दोस्तों ये बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही मज़े की बनती है, आप लोग भी इसे घर पे लाजमी ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह से बहुत मज़े की बनी है अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग लाजमी इसे घर पे ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान रेसिपी है। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे
برائے مہربانی اسے لائک کیجیے گا, دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا. اور اگر ہماری ویڈیو میں کسی چیز کی آپ کو کمی لگے تو کائنڈلی ہمیں کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا. اور یہ بھی بتائیے گا کہ ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو کس چیز کی بنائیں, آپ لوگ کس چیز کو زیادہ پسند کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ میں عبداللہ جی آپ سے اجازت لیتا ہوں. اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.